हाथ में रोटी भाजी लिए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आखिर किसके घर से बाहर निकल रहे हैं। बाइक से गाड़ी से ये आदिवासी शब्बू भूरिया का घर है। शिवराज निकले तो थे झाबुआ में एक चुनावी सभा को संबोधित करने, लेकिन उन्हें अचानक जाने क्या सूझा कि रास्ते में काफिले को शब्बू भूरिया के घर के सामने रोक दिया। उनके घर पहुंच गए। शब्बू भूरिया हैरान थे कि मुख्यमंत्री उनके घर क्या कर रहे हैं, लेकिन शिवराज किसी काम से नहीं बल्कि भूख लगने पर वहां पहुंचे थे। शिवराज ने शब्बू भूरिया और उनकी पत्नी से पूछा कि खाने में क्या बना है, तो जवाब आया कि मक्के की रोटी और भाजी। शिवराज ने खाना मांगा और हाथ में रोटी भाजी लेकर घर से बाहर निकल आए। शिवराज के साथ मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी रोटी भाजी का आनंद उठाया। सीएम शिवराज और उनके साथियों को खाना खिलाकर शब्बू और उनकी पत्नी बेहद खुश है। वो कासरीना बनाया था, वो साला और वो अपने सने की भाजी मक्की की रोटी और लेके और गया। हाँ, और हम बहुत बढ़िया लग गया और हम धन्य हो गए। आ गया तो मालिक बढ़िया अच्छा बढ़िया लग गया। क्या खिलाया आपने? अपना कासरा के साला और सने की बाजी और मक्का का रोटा। किसने बनाया था? आपने बनाया था? आपने बनाया था। ये पहली बार नहीं है जब सीएम शिवराज भोजन करने के लिए किसी आदिवासी के घर पहुंचे हो। उन्होंने कई बार गरीब के घर खाना खाया है। वैसे एक आदिवासी की छोटी सी कुटिया में पहुंचने का सियासी मतलब क्या होता है, ये राजनेता बखूबी जानते हैं। और शिवराज सिंह तो वोटर से भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करने के माहिर खिलाड़ी हैं। अभी चंद दिन पहले ही उन्होंने जिस तरह पेशाब कांड के पीड़ित व्यक्ति के कैमरे के आगे पैर धोए थे और हाल में जिस तरह एक रैली में यहाँ तक कह दिया था कि मेरे जाने के बाद मुझे बहुत याद करोगे, वो उनकी इसी शैली का उदाहरण है। बहरहाल राजनेता अगर चुनावी मौसम से अलग भी आदिवासियों और दलितों के घर पहुंचते रहे तो उनका जीवन अपने आप बेहतर हो सकता है। चुनाव आज तक।